प्रसाद ले लेते हैं। सबसे हम लोग ऊपर है, तो भाई उठा दिया भाई का सबसे। अबे अबे भाई ये तो अलग ही मजे। आओ बैठो। हाय मैं तो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जा रहे बुद्धेश्वर पे मेला लगा हुआ है, तो जा रहे पूरा एंजॉय करने। बहुत ही प्यारा लगा है, मतलब मैंने ऊपर से देखा था, ब्रिज से एक दिन गुजर रहा था तो इतना प्यारा लग रहा था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था दूसरों काम की वजह से, और आरसी में भी प्रॉब्लम आ गई थी तो उसमें मेरा माइंड थोड़ा लग गया था। तो अब वहीं जा रहे हैं, मैं और ऋतिक जा रहे हैं, तो साथ वहीं इंजॉय करेंगे और पूरा मतलब एक्सप्लोर करेंगे। भाई लखनऊ में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और जा ही नहीं पाते, और मेला इतना बड़ा लगा है, आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत बड़ा। और बुद्धेश्वर मेला तो भाई बहुत पुराना है, मतलब बुद्धेश्वर मंदिर है अप्रॉक्स बहुत साल पुराना मंदिर है वो, और लखनऊ के पुराने मंदिरों में और लाइक कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट मंदिरों में जाना जाता है। तो वहाँ पर हम चलेंगे और पूरा थोड़ा भगवान के दर्शन भी करेंगे और मेला भी घूमेंगे। तो आज तो वैसे सैटरडे है और कई लोग मुझे कहते हैं मंडे को चलने के लिए, लेकिन यार मेरा मन था बहुत ज़्यादा और जाने को होगा तो मंडे को भी चला जाऊँगा, लेकिन आज जाने का मन है तो आज भी जाऊँगा। तो वहीं पर मस्त चलते हैं और देखते हैं कैसा लगा है। बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा था, इतने ढेर सारे झूले लगे हुए थे और लाइटिंग आइटिंग बहुत प्यारा। तो अगर आप लोकेशन जाना जा रहे हैं तो लोकेशन है बुद्धेश्वर चौराहा ही है, किसी पूछेंगे बता देगा। बुद्धेश्वर मंदिर वैसे बहुत फेमस है, गूगल मैप पे भी डालेंगे तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। दुबग्गा चौराहे से होते हुए अगर आप गोमती नगर साइड जाते हैं तो आप शहीद पथ होते हुए भी आ सकते हैं, और चारबाग होते हुए बहुत रास्ते हैं जो आपके कन्वीनियंस से पास पड़े, वो देख लीजिएगा और वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो आगे बुद्धेश्वर चौराहा और यहाँ से राइट ले रहे हैं और लेफ़्ट साइड में आप यहाँ से लेफ़्ट में ये रहा बुद्धेश्वर मंदिर। रुक जाओ नहीं अंदर। लो भाई शुरू हो गया मेला। लखनऊ में नहीं देखे होगे इससे अच्छा, लखनऊ में तो पहला है दोबारा। ये चश्मे मिल रहे भाई, सही मेले आ जाओ तो एक से एक एंटीक चीज़ें देखने को मिलती हैं। पापा की परी गाना, हाँ गाना तो है भाई। ठीक है भाई प्रसाद ले लेते हैं और ले लो यार, शूज उतार लो ले। कहते पिछली बार भाई हम लोग की चप्पलें चोरी हो गई थी, देखे रहता था। अच्छा ये क्या है भाई इसके अंदर? ये भाई पानी पानी लेना, इसको धुल लेना, पानी लेना तो चल लेना। भाई बहुत प्यारा माहौल है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आरती होने लगी है। भीड़ देखो, आरती की देखो, आरती के लिए गाइस कितनी ज़्यादा मतलब शुरू भी नहीं हुई हम लोग की, अभी बहुत आगे जाना है। पूरा घंटा हिला दिया गाइस। फाइनली सर आ गए। चलते अब थोड़ा बाहर। से निकले हैं, अब चला जाए मेले की तरफ। ओम नमः शिवाय भाई, चलते हैं मेले की तरफ। थोड़ा मज़े लेते हैं, झूलोगे तो रंगो रौनक देखते हैं अंदर। तो मेले के दो पार्ट डिवाइड हो चुके हैं, एक ये पार्ट है जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे थे, और एक पार्ट जस्ट मंदिर के पीछे से। हम लोग उधर वाले में जाएंगे क्योंकि उधर से अच्छा व्यू मिलेगा, तो उधर ही निकल हम लोग मंदिर के अंदर से होते जाना पड़ेगा। और यहाँ से शुरू है एक अलग। की गाड़ी आ गई है, और क्या झूला और इसमें हम लोग अंदर घुसेंगे। हाँ बिल्कुल, अंदर चलते हैं, तो यहाँ चलेंगे उसके बाद चलेंगे। भाई सबसे हम लोग ऊपर है, हम लोग रॉक स्टार है गोरखपुर। अबे भाई इसको रख दो भाई, हेलमेट का भाई लाओ यार, इधर लाओ, हम रख दे बाहर ही। बात मानो फर्जी चक्कर में गिर गिरा गया तो लेने देने यहीं पर आओ तुम। कोई लेके भागने लगे तो भाई बस हटे ना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? स्टेशन में कोई आई नहीं रहा, पूरा खाली है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हमने झूला खरीद लिया गाइस, ये देखिए पूरा बुक कर लिया हमने। हमने कहा भाई को डर ना लगे, एक बार थिएटर बुक कर लिया था हमने पूरा। हाँ एक बार थिएटर हम लोग ऐसे ही गए थे, वहाँ पे भी कोई नहीं आया था, पूरा थिएटर हमने था, पूरा पॉपकॉर्न उड़ा रहे थे। हाँ पिज्जा जा फेंक रहे थे सब, ये देखिए सब। अभी ऊपर जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। भाई सावन के बाद ये सब लगता ही कहाँ है भाई, ये सिर्फ सावन में और इसी में लगता है, तो ज़्यादातर मंगल में लगता है जो मेला, सिर्फ सावन में ही लगता है। महोत्सव में नहीं लगते, मतलब जब ठंडियाँ आती है। हाँ भाई 30 तक है ना सावन इस बार। फ्री टिकट बिक रहे हो, फ्री का टिकट बेच कोई तो कोई तो आए। आओ बैठो, भाई गजब। आओ चलो भाई स्टार्ट हो गया भाई, अलग शो चल रहा था उधर पे तो। अबे अबे भाई ये तो अलग ही मजे। ये तो अलग ही मजे ले। भाई रोक दिया, अबे लोग आ गए भाई, रोको रोको, रोक दिया। उठा दो भाई, उठ गया भाई, उठ जाओ, उठा सब एंगल है भाई, उठा दिया भाई कसम से। अबे भाई अबे अबे भाई खड़े हो जा रहे। अबे अबे डर, अबे पैरों में, अबे पकड़ने के लिए कुछ होना तो चाहिए। अबे वो पकड़ने के लिए तो कुछ हो, अबे भाई पकड़ने के लिए कुछ है। अबे पकड़े राहुल सिंह सबके खड़े हो गए, तुम भी खड़े हो। ये बीच में हाथ से दिखा रहा है, बीच में बैठे हो भाई तो। भाई 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 खड़े भाई, हाथ हटाने यहाँ से थोड़ा पीछे लगा लो, मेरे हमें आगे लगाने दो। जो बोल भाई खड़े हो जाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो भाई मज़ा आया अपने भाई के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? चलो भैया उतरे भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया झूला था भाई। सही लस्सी पीते भाई, बैटरी डाउन हो गई 37% हो गई। मज़ा आ गई भाई, चिल्ला चिल्ला तो मज़े बहुत कर लिए, पूरा गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के भाई। और देखो मैं फिर छुटक के आ गए। बाय चलो भाई खाना शुरू करें। चलो गाइस निकलते हैं घर अब। सॉरी 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 भाई, एक्सॉर लगाओ तब क्या हुआ तब तो। लगवाएंगे भाई लगवाएंगे। बच्ची का रिएक्शन कैच हो गया क्या? वो तो ऐसे कर क्या लग रहा है उसका, वो आया होगा क्या? अरे एक लड़की ने इसे कान में हाथ लगा लिया था। बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत। अगर आप लोग भी लखनऊ में हैं तो भाई प्लीज़ जल्दी कुछ दिनों में जाइए। सावन में रहेगा, अब ये पता नहीं कि एंड तक सावन में रहेगा कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन कोशिश करिए आप भी इसको विज़िट करिए और देखिए, बहुत प्यारा है और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को अगर जाएंगे तो। सो यही था इस ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ मिलेंगे, और मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और राइड सेफ और इन्जॉय करते रहिए। बस बाय बाय।